आईएएस अधिकारी जी कृष्णन अय्या की हत्या के मामले में दोषी बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासी घमासान जारी है। आईएएस एसोसिएशन ने भी नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए इस फैसले को गलत बताया है। इस बीच जन अधिकार पार्टी यानी जाप के चीफ पप्पू यादव ने आनंद मोहन का समर्थन किया है। पप्पू यादव ने आईएएस एसोसिएशन से सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या ये पहला मर्डर है जो इतना हाय तौबा हो रहा है। इस बीच आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को लेकर भी चर्चा है। तो कौन है लवली आनंद, ये बताने से पहले आपको ये बताएंगे कि ये मामला क्या है। और इससे भी पहले आप पप्पू यादव का वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने आईएएस एसोसिएशन से कहा है कि क्या ये मर्डर का पहला मामला है जो हाय तौबा मचा हुआ है। एक घटना घटी, मोब थी वहां, ये भी पहुंच गए, मोब को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या इन्होंने ऑर्डर दिया था मारने के लिए? उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास लिखा। आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट तय करेगी कि कौन से मर्डर के सर्कमस्टेंसेस क्या है। गवर्नमेंट ने लगा उसको, और जो लोग इसमें कौन दुर्दांत अपराधी हैं भाई, आनंद मोहन जी सर्वोच्च न्यायालय के 14 साल काटने के बाद तब तक तो गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। आईएएस एसोसिएशन का कहना है कि आनंद मोहन ने आईएएस जी कृष्णन अय्या की निरसंग हत्या कर दी थी। ऐसे में यह दुखद है, बिहार सरकार को जल्द से जल्द इस फैसले को वापस ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो ये न्याय से वंचित करने के समान है। इस तरह के फैसलों से लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है। हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द इस पर पुनर्विचार करे। आईएएस कृष्णन अय्या की पत्नी उमा देवी ने कहा है कि एक ईमानदार अफसर की हत्या करने वाले को छोड़ा जा रहा है, इससे हम समझते हैं कि न्याय व्यवस्था की हालात क्या है। लेकिन अब लवली आनंद के बारे में बताने से पहले आनंद मोहन के बारे में जान लीजिए कि आखिर बाहुबली, बिहार का बाहुबली आनंद मोहन कौन है जिस पर कृष्णन अय्या की हत्या का आरोप ही नहीं वो दोषी करार भी हुए थे। आनंद मोहन इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक जेल में भी रहे और जेल से बाहर आते ही 80 के दशक में उन्होंने अपनी दबंगई शुरू कर दी थी। कोसी इलाके में उनके सियासी तूती बोलने लगी थी। मारपीट हो या फिर हत्या, हर तरफ आनंद मोहन की दबंगई की कहानी बयां होने लगी। साथ ही बिहार में पिछड़ी जातियों की बढ़ती ताकत के खिलाफ अग्रणी जाति के प्रतिरोध में सबसे आगे भी थे बाहुबली आनंद मोहन। दबंगई के बीच आनंद मोहन की राजनीति में एंट्री 1990 में हुई थी। 1990 में पहली बार महेशी से चुनाव आनंद मोहन ने जीता। उसके बाद 1996, 1998 और 1999 में चुनाव लड़ा, लेकिन 1999 और 2004 में चुनाव हार गए। 1996 में लोकसभा में आनंद मोहन जेल में थे जब ये चुनाव हो रहा था। कई बार जेल से ही चुनाव लड़ा और हारा और फिर जीता भी। लेकिन इस बीच 13 मार्च 1991 को लवली सिंह से आनंद मोहन की शादी होती है। लवली स्वतंत्रता सेनानी मानिक प्रसाद सिंह की बेटी हैं। शादी के 3 साल बाद 1994 में लवली आनंद की राजनीति में एंट्री उपचुनाव में हुई। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए जिसमें लवली आनंद यहां से जीतकर पहली बार संसद पहुंची। बिहार में लवली आनंद को लोग भाभी जी कहकर बुलाते हैं। लोग बताते हैं कि जब भाभी जी रैली करने जाती थी तो लाखों की भीड़ इकट्ठा होती थी। इतनी भीड़ तो आनंद मोहन की रैलियों में भी नहीं देखे जाते थे। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों का कहना है कि लवली आनंद की रैलियों में भीड़ देखकर उस समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे सरीखे नेता भी दंग रह जाते थे। हालांकि लवली आनंद की रैलियों में आने वाली भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाती थी। जब वोटिंग होती थी तो लवली आनंद हार जाती थी। आनंद मोहन और लवली आनंद की तूती किस कदर बोलती थी इसे सिर्फ इस बात से समझिए कि सिर्फ 6 साल में लवली आनंद की संपत्ति कभी 3 गुना से ज्यादा बढ़ी और क्रिमिनल केस भी 5 थे और एक एक कर जुड़ते गए इस 5 केस में और फिर घटे। संपत्ति में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। कुछ सालों बाद केस भी दर्ज होना बंद हो गया और 5 केस से एक भी केस उन पर अब दर्ज नहीं रहा। साल 2015 तक लवली आनंद पर जो केस दर्ज हैं और उनके संपत्ति जो अभी तक बताया गया है, पब्लिक किया गया है, उसके अगर बात करें तो साल 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान 5 क्रिमिनल केस थे और 50,50,000 की संपत्ति थी। 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान 2 क्रिमिनल केस थे और 61,91,000 की संपत्ति उनके पास बताई जा रही थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने
अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया तो एक क्रिमिनल केस हो गए और उसके बाद 1,28,00,000 की संपत्ति उन पर बताया गया। 2015 विधानसभा में उन पर एक भी क्रिमिनल केस नहीं थे और 1,83,00,000 की संपत्ति उन्होंने हल्फनामे में बताया। लवली पार्टियां बदलती रहीं लेकिन जीत कभी नहीं हुई। आनंद मोहन और लवली आनंद के बारे में कहा जाता है कि जितनी तेजी से लोग कपड़े नहीं बदलते थे उतनी तेजी से ये तो पार्टियां बदल लेते थे। लवली आनंद पहली बार 1994 में उपचुनाव जीतकर सांसद बनी। उस समय उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी से ही चुनाव लड़ा था। उसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में भी वैशाली से ही खड़ी हुई लेकिन हार गई। 2009 का लोकसभा चुनाव लवली ने कांग्रेस के टिकट पर शिवहर से लड़ा लेकिन हार गई। इस बीच 2004 में बिहार पीपुल्स पार्टी का मर्जर कांग्रेस में हो गया था। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में लवली कांग्रेस के ही टिकट पर आलमनगर से खड़ी हुई लेकिन ये चुनाव भी वो हार गई। बाद में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए लवली आनंद सपा में शामिल हो गई थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में लवली सपा के टिकट पर शिवहर से फिर चुनाव लड़ी लेकिन इस बार भी हार गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में वो जीतन राम मांझी के पार्टी हम सेकुलर से शिवहर से चुनाव लड़ी और इस बार भी उन्हें हार का ही सामना देखना पड़ा। उसके बाद 2020 में चुनाव की तारीखें आने के बाद लवली आनंद राजद में शामिल हो गई थी। साल 2022 में 27 साल पुरानी एक केस में गोपालगंज कोर्ट ने लवली आनंद को सजा सुनाई थी। 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था और जुर्माना नहीं देने पर 6 साल की जेल की बात कही गई थी। लेकिन ये तो हुई लवली आनंद की बात, लेकिन अब आनंद मोहन को जिस आईएएस के मर्डर केस में बिहार सरकार रिहाई कर रही है उस मामले को समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तेलंगाना में जन्मे आईएएस अधिकारी कृष्ण नैया अनुसूचित जाति के थे। वह बिहार में गोपालगंज के जिला अधिकारी यानी आईएएस थे और 1994 में जब मुजफ्फरपुर जिले से गुजर रहे थे इसी दौरान भीड़ ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। इस दौरान उन्हें गोली भी मारी गई थी। आरोप था कि डीएम की हत्या करने वाली उस भीड़ को कुख्यात बाहुबली आनंद मोहन ने ही उकसाया था। यही वजह थी कि पुलिस ने इस मामले में आनंद मोहन और उनके पत्नी लवली आनंद समेत 6 लोगों को एफआईआर में नाम दिया था। कृष्ण नैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को सजा भी हुई थी। 1994 के कलेक्टर हत्याकांड में आनंद मोहन को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई। 2008 में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। अब उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन को बिहार सरकार द्वारा कारागार अधिनियम में बदलाव करके जेल से रिहा करने की बात कही जा रही है। बिहार सरकार ने कारा हस्तक 2012 के नियम 481 आई के संशोधन किया है और इसी के तहत आनंद मोहन की रिहाई भी हो रही है। 14 साल के सजा काट चुके हैं आनंद मोहन और नियमों के अनुसार कहा जा रहा है कि उनकी रिहाई अब हो रही है। इसलिए ड्यूटी करते हुए सरकारी सेवक की हत्या पर अब अपवाद की श्रेणी से हटा दिया गया है। बीते 10 अप्रैल से ही बदलाव की अधिसूचना सरकार ने जारी भी कर दी थी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।